टेम्परेचर चेक किया है कितना है? नहीं मैंने नहीं चेक किया। हेलो नाजरीन दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज जा रहे हैं हम थतियामा घूमने के लिए दोस्तों के साथ। मेरा एक ही दोस्त है इजाज अहमद, और अच्छी अच्छी कुछ वीडियोस भी बनाएंगे जो शेयर करेंगे दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पे। तो देखें शेल के पंप यहाँ कम ही है इजाज है ना? हाँ शेल के कम है। किसका फोन आ गया यार, इसका रिमोट चाहिए गाड़ी का। अस्सलाम वालेकुम यार सदर भाई, मैं असल में गाड़ी चला रहा हूँ तो ट्रैफिक थोड़ा बहुत बिजी है, तो मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। आपका काम हो जाएगा, आप टेंशन ना ले, आपका काम हो जाएगा तो आप टेंशन ना ले। सही है, अभी आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं भी गाड़ी चला रहा हूँ, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। पहले भी गए थे ना आप तुम? हाँ मैं गया हूँ, ये चिड़ियाघर इधर का। अच्छा, इस गार्ड पर तो यामा का चिड़ियाघर। हाँ बिल्कुल ये जी आएगा छोटा सा टनल यहाँ पे। अभी हम तोयामा के रोड पे हैं, हम जा रहे हैं थतियामा की तरफ। ये छोटा सा टनल है और उस तरह के नज़ारे कितने जापान ने टनल बनाए हैं। अभी वो देखो पहाड़ दिखा रहे हैं ना जिसमें बर्फ है। नाजरीन दोस्तों हम उधर जाएंगे, वो जो पहाड़ दिख रहे हैं जहाँ बर्फ पड़ी हुई है, वो जबरदस्त व्यूज नजर आ रहे हैं, उस तरफ ही हम जा रहे हैं ना। आज उधर ही बर्फ के मजे लेंगे थोड़े बहुत। ज़ूम करो जा, ताकि मैप जो ना हमें रास्ता बताता चलेगा। मुझे तो सही जा रहे हैं तो भी स्टार्ट करो। हम मैप के जरिए जाते हैं, जिधर भी जाते हैं यहाँ मैप हमें गाइड करता है। ये फॉरनर क्या यहाँ पूरे जापान में जापानीज भी मैप यूज करते हैं, उनको भी वहाँ तक रोडों का पता नहीं होता, तो घर से ही मैप जो है लगा कर लोकेशन चेक करके ही निकलते हैं। तो हम भी इसी तरीके से ही करते हैं, मैप में लोकेशन जो है ना लगा के फिर घूमते हैं, जिधर भी जाते हैं कोई टेंशन नहीं होता। ऐसे ब्यूटीफुल लग रहा है पहाड़ा, और देखने में बिल्कुल गरीब लगता है ना, वैसे कितना दूर है। ऐसा लगता है जैसे करीब ही है। हाँ ऐसा लगता है करीब ही है, लेकिन जैसे दूर है ना 30-35 किलोमीटर। होना चाहिए थोड़ा सा, थोड़ा सा होना चाहिए।
आज ये काफी लोग उस तरफ ही जा रहे हैं, इसलिए रोड भी आज बिजी है। संडे रोड खाली होता है ना। बहुत रश होगा आज है। हाँ नींद ना भे पीछे।